गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई मुस्लिम असलम। दिस इज़ लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। सो इन प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था व्हाट इज़ ग्राफ। ग्राफ देखा था, ग्राफ में डेफिनेशन देखी थी और आपने देखा था कि वेटेड ग्राफ क्या होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, वर्टिसेस मैट्रिक्स देखी थी। आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगे। आज हम देखेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में आपके पास क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है, उसके लिए कोई भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग अ प्रोग्राम। तो हाउ टू रिप्रेजेंटेशन डेट, तो हमें ये तो आना चाहिए कि ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, कैसे वैल्यूज़ को ग्राफ की तरफ किस वैल्यूज़ कौन से ग्राफ की तरफ जा रही है, मतलब कौन सी एडजेसेंट जा रही है, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। इसलिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देखेंगे कि ग्राफ को किन दो टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, टू टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट सिक्वेंशियल और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड इज लिंकलेस रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट जो आपका है सिक्वेंशियल और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। सिक्वेंशियल और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हो आपकी तीन टाइप के होते हैं। मैंने फर्स्ट को नीचे आपको अच्छे से शो कर रखा है। पहला होता है एडजेंसी मैट्रिक, दूसरा होता है इंसिडेंस मैट्रिक्स, थर्ड होता है पाथ मैट्रिक्स। तो एडजेंसी मैट्रिक्स भी हम देख लेंगे, इंसिडेंट मैट्रिक्स भी और पाथ मैट्रिक्स, तीनों को अलग अलग तरीके से देख लेते हैं कैसे ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को। तो ये जो तीनों चीज़ें आती हैं वो आपकी किस में आती हैं, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन में। तो आप जब इस पर आपके क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। ये अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि हाउ टू रिप्रेजेंटेशन ग्राफ इन एडजेंसी मैट्रिक, कि एडजेंसी मैट्रिक पे बनाइए, तब आप एडजेंसी पे बनाइएगा। अगर पूछ लेता है एग्जाम में हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफ इन इंसिडेंस मैट्रिक, तो इंसिडेंट मैट्रिक्स में जो ग्राफ आता है उसको इंसिडेंट मैट्रिक्स में बनाइए। हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफ इन पाथ मैट्रिक्स, अगर पाथ मैट्रिक्स में पूछा है तो पाथ मैट्रिक्स में बनाइए। अगर पूछ लेता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफ इन, आपका पूछा था मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, तो उसने कोई भी मैट्रिक्स नहीं दिया, आप किसी भी में भी बना के इन तीनों में से किसी में भी आ सकते हो, एडजेंसी पे भी बना के आ सकते हो, इंसिडेंट पे भी आ सकते हो, पाथ मैट्रिक्स पे भी आ सकते हो। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि एडजेंसी मैट्रिक होता क्या है। तो देखिए, एडजेंसी मैट्रिक जो होता है, एडजेंसी मैट्रिक्स में आपकी पांच मैंने पॉइंट दे रखे हैं। पहला है आपका वन रो एंड वन कॉलम फॉर ईच वर्टेक्स, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, थ्री, मतलब मैंने मान लिया कि आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें आपकी वर्टिसेस होना चाहिए, यानी कि v1 v2 v3 के आपके रो भी होना चाहिए, कॉलम भी होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है कि v1 v2 v3 के मैंने रो भी ले रखे हैं, v1 v2 v3 के कॉलम भी ले रखे हैं, यानी कि आपके पास 3x3 के जो वर्टिसेस हैं उनको बोलेंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस। अंदर जो आपका होना चाहिए वो वर्टिसेस के कॉलम और रो होनी चाहिए, यानी कि वन रो एंड वन कॉलम फॉर ईच वर्टेक्स। यानी कि वन का आप रिप्रेजेंट करो v1 का v1 से कर रहे हो, v1 का v2 से कर रहे हो, v1 का v3 से कर रहे हो, तो आपको जो अंदर मिल रही है वो वर्टिसेस ही मिल रही है। तो वो यही बोल रहा है कि वन रो एंड वन कॉलम का ईच वर्टिसेस के साथ आपको करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि वैल्यूज़ इन मैट्रिक्स आर आइदर 0 और 1। जब आप मैट्रिसेस बनाते हो, यानी कि v1 को दिया, तो वैल्यू अगर वो v1 से v1 की तरफ कोई डायरेक्शन जा रही है तब आपकी वैल्यू 1 होगी, अगर नहीं जा रही है तो अदरवाइज़ वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेट डेट रो i, आपको जो रो है उसको i से डिनोट किया है, कॉलम को j से। तो i2j, अगर i2j कोई भी आपकी एजेस जा रही है तो वो एज जब जाएगी तो आपकी वैल्यू 1 देगा, अगर नहीं जा रही है तो 0 दे रहा है। वो मैंने 4 पॉइंट पे हमको शो कर दिया कि वैल्यू ऑफ 0 इंडिकेट कब देगा, नो एजेस बिटवीन i एंड j, मतलब अगर i into j से कोई भी वैल्यू आपकी नहीं जा रही है, कोई भी आपकी एजेस नहीं निकल रही है, तो वहाँ पर आप क्या दोगे, 0 वैल्यू दोगे। ठीक है, तो अभी हम जब ग्राफ बनाएंगे उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे वैल्यूज आपको देनी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स में मैंने आपको ए एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए मैंने ए लिया है, उसके अंदर आपको ए आई जे यानी कि v1 का v1 से हो रहा है, तो वही अंदर की जो वैल्यूज़ है ए आई जे आ रहा है। तो ए आई जे पे जो 1 वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, वी आई से एडजेसेंट टू बी जे, अगर वी आई से वी जे डायरेक्शन है तो 1 वैल्यू देगा, अगर वी आई से वी जे आपकी डायरेक्शन नहीं है तो अदरवाइज़ वो क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं, एक ग्राफ लिया है हमने, ग्राफ आपको दिखता होगा, इस ग्राफ में आपकी 4 वर्टिसेस हैं, यानी कि v1 v2 v3 v4, और सब पे एडजेसेंट लगे हुए हैं e1 e2 e3, या आपकी वेटेड लगे हुए हैं, वेट बोल सकते हो। तो आप सबसे पहले चेक करोगे, मैंने एक मैट्रिक्स लिए, यानी कि यहाँ आपके पास कितनी वर्टिसेस थी, 4,
यानी कि V1, V2, V3, V4। तो 4x4 की आप मैट्रिक्स बनाओगे, आप रो में भी V1, V2, V3, V4 ले लोगे और कॉलम में भी ले लोगे V1, V2, V3, V4। अब सबसे पहले आप चेक करोगे V1 को V1 के साथ। तो देखिए V1 आपका यानी कि सेल्फ लूप तो लगा ही नहीं रहा है, जो नोड है वो V1 से V1 की तरफ जा ही नहीं रही है, यानी कि उस पर कोई सर्किल ही नहीं है, सेल्फ लूप नहीं लग रहा। तो मैं दिखाती हूँ सेल्फ लूप, आपको मैंने पहले भी बताया कि यानी कि V1 से V1 की तरफ आपका एरो नहीं जा रहा। तो इसका मतलब कि ये V1 से V1 कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब जीरो वैल्यू हो जाएगी। और V2 आप देखिए V1 से V2, तो हाँ V1 से V2 जा रहा है, V1 से V2 देखिए नीचे जा रहा है, E2 जो इस पर एजेस दी रखी, तो इसका मतलब वैल्यू 1। ठीक है, अब देखेंगे कि V1 से V3, हाँ V1 से V3 भी जा रहा है, देखिए बीच में आपका जा रहा है जिसमें E3 वैल्यू दे रखी है, तो वहाँ पर भी 1। अब देखेंगे V1 से V4, V1 से V4 भी जा रहा है, तो यानी कि वहाँ भी आप वैल्यू क्या दोगे 1। तो डायरेक्शन आपको चेक करनी है। अब B2 पे आएंगे, B2 V1 पे देखेगा, तो V2 V1 पे तो नहीं जा रहा, V1 B2 पे आ रहा था डायरेक्शन, यानी कि कोई डायरेक्शन नहीं जा रही, वहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0। अब V2 देखेंगे, V2 पे सेल्फ लूप नहीं लगा रहा, तो यानी कि 0। V2 यानी कि V2 से कोई भी आपकी एडजेसेंट मतलब एजेस नहीं जा रही है, कोई भी एजेस नहीं जा रही है, तो इसका मतलब वो वैल्यूज 0 होंगी। तो V2 से आपकी कोई वैल्यूज ही नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने V2 से V1 भी 0, V2 से V2 भी 0, V2 से V3 भी 0, V2 से V4 भी 0 देगा। ऐसे ही अब B3 चेक कर लेते हैं। B3 से आपकी कौन कौन सी वैल्यूज जा रही है, एक तो V2 की तरफ डायरेक्शन जा रही है, एक तो डायरेक्शन आपकी B4 तक जा रही है। तो V3 से B2 पे जाने पे 1 देगा, तो देखिए मैंने V3 से B2 वाली रो और कॉलम में देखिए मैंने 1 वैल्यू दे रखी है, V3 से V3 पे तो 0 रहेगा, V3 से B4 पे भी 1, क्योंकि एक वैल्यू आपकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है B4 की तरफ, और V3 से V1 नहीं जा रहा इसलिए 0। तो ये मैंने साफ साफ बनाया, इधर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा ब्लर था, इधर देख सकते हैं V4 V1 से। तो V4 से पहले आप देखें कौन कौन सी वैल्यूज जा रही हैं, B4 से एक ही डायरेक्शन जा रही है जो कि B2 की तरफ जा रही है, E6 वैल्यू दे रही है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज हो जाएगी B4 से B2 1 दे दिया, और अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं जा रही थी वो हमने 0 दे दिया। तो हमने क्या किया कि 4x4 की आपने मैट्रिक्स बना ली, इस मैट्रिक्स में आपने ये इसको बोलते हैं एडजेसी मैट्रिक्स। ठीक है, एडजेसी मैट्रिक्स में आपने देख लिया, तो एडजेसी मैट्रिक्स को हम और क्या बोल सकते हैं, बिट मैट्रिक्स और बुलियन मैट्रिक्स। ये मैंने नीचे रेड पेन से शो कर रखा है कि एडजेसी मैट्रिक्स को आप क्या बोल सकते हो, बिट मैट्रिक्स और बुलियन मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। और दूसरा मैंने क्या कहा है कि जैसे V1 की आपकी जैसे V1 की रो है, वो V1 की रो है, अगर वो V1 की अगर मतलब V1 की जगह B2 वाली रो आ जाए, यानी कि वो पूरी कॉलम उठ के यहाँ पे आ जाए, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि B1 की जगह V2 आ जाए तो V2 के नीचे जो वैल्यूज आएंगी वो 1011 हो जाएंगी, और V1 के नीचे जो वैल्यूज आएंगी 0000 हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे ये B1 है, ये V1 उठ के B2 की तरफ आ जाए, तो B2 की तरफ आएगा तो V1 की वैल्यू नीचे क्या हो जाएंगी 0000, तो 4x0 हो जाएंगी, और V2 इधर चला जाएगा तो वैल्यूज आ जाएंगी 1011। ठीक है, कुछ इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी। तो यानी कि अगर हम ऐसे चेंज करते हैं AIJ या AJI करते हैं, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ हमारा सेम ही है, तो इस क्या हो जाएगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसको बोलेंगे एडजेसिंग मैट्रिक्स सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा, कोई डिफरेंस आएगा नहीं, ग्राफ आपका सिंपल वैसे ही बनेगा, डायरेक्शन कोई चेंजेस नहीं होंगी, क्योंकि वह डायरेक्शन उसी ही तरफ बनेंगी, किधर भी आप इससे ग्राफ बना लो, किसकी वैल्यू किधर कर लो, ग्राफ आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने नीचे एक जो ग्रीन पेन से लाइन लिख रखी है वो लिखी है अनडायरेक्टेड ग्राफ एडजेसिंग मैट्रिक इज सिमेट्रिक, AIJ इज इक्वल टू AJI, मतलब कोई भी वैल्यूज किधर भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ आपका सेम वैसे ही बनेगा, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई एडजेसिंग मैट्रिक। दूसरी देख लेते हैं हम इंसिडेंस मैट्रिक। इंसिडेंस मैट्रिक क्या होता है कि इसके लिए मैंने 2 पॉइंट लिख रखे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला लिख रखा है इट कंसिस्ट ऑफ अ रो फॉर एवरी वर्टिक्स एंड अ कॉलम फॉर एवरी एजेस। इसमें क्या होगा कि जो रो होगी उसमें वर्टिसेस लेनी होंगी, और जो कॉलम होगा उसमें एजेस लेनी होंगी। ये जब हम ग्राफ बनाएंगे उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। और दूसरा पॉइंट इसका क्या है, द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर -101, यानी कि जो आप मैट्रिक्स बनाओगे उसमें जो वैल्यूज दोगे, जैसे हम एडजेसिंग मैट्रिक्स में वैल्यू क्या दे रहे थे 1 और 0, इसमें जो वैल्यूज दी जाएंगी वो -1, 0 और 1 में दी जाएंगी। वो देखिए हम कैसे देंगे, जैसे आपको ये दिख रहा है कि V1 से V2 की तरफ जा रहे हैं, V1 से V2 की तरफ एरो आपका जा रहा है, तो वहाँ पे जो वैल्यू है E1 दे रखा है, यानी कि आपका जो अंदर कॉलम बनेगा A1 A है, यानी कि 1 2, यानी कि V1 से V2 की तरफ जा रहे हैं, तो 1 वैल्यू।
अगर E1 जो लगा हुआ है तो वहाँ पे 1 वैल्यू दोगे, अदरवाइज अगर हम बोले कि B2 से B1 की तरफ जा रहे हैं तो ये एरो B2 से V1 की तरफ जा रहा है, नहीं ये तो V1 से B2 की तरफ जा रहा है, तो वैल्यू अगर हम लिखते हैं A2 A21 तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे -1। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे आपकी ये डायरेक्शन V1 से B2 की तरफ जा रही है और उस पर E1 दे रखा है, यानी कि E1 दे रखा है, तब आपकी वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि A12 पे आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर यही बात हम लिखें कि B2 से B1, तो ये B2 से V1 जा रहा है, नहीं, क्या ये V2 से V1 जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि ये तो V1 से V2 जा रहा है, V2 से V1 तो जा नहीं रहा है, तो एरो उल्टा है, तो इसका मतलब जो वैल्यूज़ आएंगी -1 में आएंगी। अगर इस पे E1 लगा हुआ है तो वैल्यूज़ किस में आएंगी, -1 में आएंगी। और अगर आपका ई नहीं लगा हुआ है, जिस पे ई नहीं लगा हुआ है यानी कि कोई एरो जा ही नहीं रहा है, यानी कि ये पूछ ही नहीं रहा है, इन दोनों वर्टिसेस के बीच में कोई वैल्यू पूछ ही नहीं रहा है, तो वो वैल्यूज़ आपकी 0 आएगी। तो अभी हम जब चेक करेंगे ग्राफ से तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने कैसे इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स का ग्राफ बनाया है, इसका आपको ग्राफ दिखता होगा। इस पे भी मैंने 4 वर्टिसेस ले रखी हैं, यानी कि 4 नोड ले रखी हैं, V1 V2 V3 V4, ठीक है। इन पे एजेस लगा रखी हैं E1 E2 E3 E4, ठीक है। अब हम चेक करेंगे अंदर, ये पूरा आपका ग्राफ मैंने बनाया है, इसमें सबसे पहले आप क्या लोगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इंसिडेंस मैट्रिक में हम लेते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ रो फॉर एवरी वर्टिक्स। जो एवरी वर्टिक्स के लिए रो में आप क्या लोगे, रो के लिए लोगे आप वर्टिसेस, और कॉलम के लिए लोगे एजेस। तो देखिए हमने कॉलम के लिए एजेस ले रखी हैं और रो के लिए वर्टिसेस ले रखी हैं, तो उधर हम आई ए से डिनोट करते थे, यहाँ जब मैट्रिक्स बनाएंगे उसको डिनोट किससे करेंगे, आई से, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू ये आ जाएगा V1 B2 B3 B4, ये रो हो गई आपकी, कॉलम क्या हो गए E1 E2 E3 E4 E5 E6, क्योंकि आप चेक कर लीजिए जो एजेस हैं वो आपकी 6 दे रखी हैं और जो आपकी नोड है वर्टिसेस हैं वो 4 दे रखी हैं, ठीक है। अब उसको हम कैसे चेक करते हैं, अब देखिए मैं चेक करूँगी V1 से E1, तो V1 से देखिए E1 जा रहा है, देखो डायरेक्शन जा रही है, आपको दिख रही है ना कि V1 से E1 आपकी डायरेक्शन जा रही है। मैं देखिए इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि देखिए V1 से E1 जा रही है, इसकी तरफ डायरेक्शन है, तो यानी कि वैल्यू क्या देगा 1। मैंने अभी आपको बताया था कि V1 से अगर E1 जा रहा है तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अब क्या देखिए V1 से E2 जा रहा है, हाँ V1 से E2 भी डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, तो यानी कि इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे कि V1 से E3 जा रहा है, हाँ V1 से E3 अंदर की तरफ जा रहा है, B3 की तरफ देखिए ये जा रहा है, तो यानी कि यहाँ भी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखेंगे कि V1 से E4 जा रहा है, नहीं V1 से E4 की तरफ तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो क्या वैल्यू होगी 0, ठीक है। अब उल्टी सीधी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, E4 से तो कोई इसका नाता ही नहीं है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब V1 से E5 चेक करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, तब भी 0 हो जाएगी, क्योंकि E5 से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है V1 का, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब V1 से E6 चेक करेंगे तो देखिए E6 भी आपका बिल्कुल उलट है, इधर साइड में है आपका E6, तो यानी कि इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे B2 का E1 से, अब देखिए आप B2 को E1 से चेक करेंगे तो V2 आपका क्या है, B2 आपका यहाँ पर है, मैं देखिए कुछ आपको शो कर रही हूँ, B2 आपका यहाँ पे है, B2 से आप E1 की तरफ जा रहे हैं, तो B2 से E1 क्या है, देखिए E1 उस साइड है, E1 तो यहाँ है और B2 यहाँ, यानी कि B2 का E1 से कोई नाता ही नहीं है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो कि B2 का E2 से देखिए, अब B2 का E2 से देखिए, ये है आपका B2, उसका E2 से देखिए, तो B2 से तो कोई डायरेक्शन ही नहीं जा रही है E2 की तरफ, यानी कि E2 का नाता तो है, ये है तो इसी लाइन में, पर इसका ऊपर की तरफ ये डायरेक्शन चेंज है, इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी -1। तो देखिए मैंने लिखा है V2 से E2 की तरफ क्या वैल्यू जा रही है -1। अब B2 का E3 से देखेंगे, B2 का E3 से भी कोई नाता नहीं है, कोई वैल्यूज उसकी नहीं जा रही, तो वहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऐसे ही B2 का E4 से चेक करेंगे, अब B2 का आप E4 से चेक करिए, B2 आपका ये है, E4 इधर है, यानी कि उसकी तरफ डायरेक्शन चेंज है, तो यानी कि -1 वैल्यू आ जाएगी। आपको दिख रहा होगा, मैं फिर से दिखा दे रही हूँ, जैसे B2 है, जा किधर रहा है, अपोजिट साइड है, यानी कि है तो इसकी तरफ, ये B2 से नहीं जा रहा, B2 से नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या आएगी -1 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आपने -1 वैल्यू लिख ली। ऐसी B2 को E5 में चेक करेंगे तो B2 E5 अलग अलग डायरेक्शन में है, तो 0 वैल्यू देगा। ऐसी B2 को E6 से चेक कर रहे हैं, B2 है आपका, उसको E6 से चेक करें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1।
ऐसे आप B3 का देखिए, B3 का E1 से चेक करा आपने तो ज़ीरो, क्या ज़ीरो वैल्यू आएगी क्योंकि B3 देखिए E1 से बिल्कुल उसका नाता ही नहीं है, तो ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। B3 का E2 से देखिए तभी वैल्यू ज़ीरो आएगी। B3 का E3 से देखिए, अब B3 का E3, B3 ये है आपके पास, B3 ये देखिए, B3 आपके पास ये है और आप B3 को किस में चेक करो, E3 में। तो E3 आपका कहाँ है, E3 आपका ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन है इसी की तरफ, डायरेक्शन आपकी चेंज है। तो B3 से यानी कि -1 आएगा, डायरेक्शन तो इसमें ऐसे दे रखी है और आप इससे चेक करें तो यानी कि -1 वैल्यू। तो आप इस तरीके से आप चेक करते हो, पूरा ग्राफ देख लीजिएगा। B3 का E4 से देखेंगे तो B3 का E4 से तो जा रहा है तो यानी कि 1। B3 का E5 से देखेंगे, B3 का E5 से भी जा रहा है तो यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। B3 का E6 से देख लेंगे, E6 से नहीं जा रहा है तो 0 वैल्यू। अब B4 का E1 से चेक करेंगे, B4 का देखिए E1 से जब चेक कर रहे हैं, अब B4 की तरफ आइए तो अपोजिट डायरेक्शन है यानी कि -1। अब B4 का E2 से करेंगे कोई नाता ही नहीं है तो 0 वैल्यू। B4 का आप E3 से कर रहे हैं कोई भी कनेक्शन नहीं है तो 0 वैल्यू। B4 का E4 से कर रहे हैं कोई भी कनेक्शन नहीं है, 0 वैल्यूज़। ऐसी अब B4 का E5 से करेंगे, जैसे ही देखिए B4 का E5 यानी कि डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, इस ग्राफ को देख के बनाइएगा, डायरेक्शन आपकी कुछ ऐसी जा रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन अपोजिट यानी कि -1 वैल्यू देगा तो -1 हो गया। अब B4 को आप चेक करोगे, B4 ये है और E6 के साथ, E6 के साथ चेक करोगे तो B4 से E6 देखिए अंदर की तरफ जा रहा है यानी कि सही है, 1 वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1 आ गई। तो आपका ये क्वेश्चन, ये आपकी जो ग्राफ से कैसे मैट्रिक्स बनती हैं कुछ इस तरीके से बनती हैं, आपने देख लिया। इसकी प्रैक्टिस करिएगा घर पे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखिएगा। तो ये आपके मैंने अभी 2 पार्ट करा दिए क्योंकि हमें टाइम बहुत हो गया। अगर तीसरा पार्ट जो है इसका पाथ मैट्रिक्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पाथ मैट्रिक्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और हम इसके क्या देखेंगे, लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कशन करेंगे, आज के लिए इतना ही। तो आप इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।